सो हेलो फ्री फायर गेमर्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि बढ़िया होगे एंड मेरे भाई आगे भी बढ़िया रहना। तो गाइस मैं इस वीडियो में आपको अनलिमिटेड डायमंड कैसे लेने हैं ये ट्रिक इस वीडियो में बताने वाला हो और लाइव व्यू के साथ आपको लेके भी बताने वाला हो। और गाइस जैसे कि हमारे फ्री फायर के अंदर जो न्यू मोड मनी हाइस्ट का है उसके अंदर गाइस आपको यहाँ पर से केक देखने को, मतलब की जो आपको गिफ्ट देखने को मिल रही है उसके अंदर से गाइस आपको यहाँ पर से डायमंड कैसे लेने हैं ये ट्रिक आपको इस वीडियो में बताने वाला हो। और गाइस यहाँ पर मैं जो आपको ट्रिक बताने वाला हूँ उस ट्रिक को बहुत सारे बंदों ने यूज करके यहाँ पर से अनलिमिटेड डायमंड ले लिए हैं। अगर आपको भी चाहिए तो यहाँ पर मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ, उस ट्रिक को आपको 100% फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर से 1 सेकंड का भी मिस कर दोगे या तो स्किप कर दोगे तो आपको इस ट्रिक के बारे में पता नहीं चलेगा और फिर जो आपको अनलिमिटेड डायमंड मिलने वाले है वो बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। और गाइस इस ट्रिक के अंदर आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, ना ही आपको ऐप डाउनलोड करनी है, ना ही कोई वेबसाइट ओपन करनी है, यानी आपकी आईडी भी बैन नहीं होगी। इस तरह की 100% रियल ट्रिक है। तो चलेगा इस बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो को करते स्टार्ट। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्री फायर गेमर से न्यू है चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर फ्री फायर के जितने भी लेटेस्ट अपडेट टिप्स एंड ट्रिक में लाता रहता हूँ। तो चलेगा इस अब हम ट्रिक को करते हैं स्टार्ट। तो गाइस ट्रिक के अंदर आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको यहाँ पर से कैरेक्टर को चेंज करना है ताकि आपको जो कि न्यू मोड के अंदर आपको यहाँ पर से डायमंड मिलने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हो जाए और आपको बहुत सारे डायमंड मिल सके। इसीलिए गाइस आपको यहाँ पर से आडम्बा बनाना है और आडम्बा बनाने के बाद गाइस आपको कलेक्शन के अंदर जाना है और कलेक्शन के अंदर जहाँ आपका जो भी गन लॉबी के अंदर शो कर रही है और अपनी आपको आईडी जो है उसको पूरी की पूरी नुबड़ी बनानी पड़ेगी। जैसे कि हमने नुबड़ी बना दी उसके बाद गाइस आपको यहाँ पर से पेट के अंदर चले जाना है और पेट को ऐसे रेस्ट कर लेना है। अगर एक रखोगे तो ये ट्रिक वर्क नहीं करेगी। उसके बाद गाइस आपको यहाँ पर से सेटिंग के अंदर जाना है और आपका ग्राफिक है उसको स्टैंडर्ड कर लेना है। जैसे कि आपने हमने स्टैंडर्ड कर लिया उसके बाद गाइस आपको यहाँ पर से ऑटो पिकअप पे सारे के सारे ऑप्शन जो ऑन देखने को मिल रहे हैं उसको ऑन करना है। आपको यहाँ पर से सिर्फ आपको यहाँ पर से स्पेशल इक्विपमेंट्स को ऑन रखना है, बाकी सारे के सारे ऑप्शन आपको ऑफ कर देना है जैसे कि हमने कर दिया। उसके बाद गाइस आपको यहाँ पर से अदर्स के ऊपर चले जाना है और आप से जो फ्री लक रोल जो आपको देखने को मिल रहा है उसको ऑफ कर लेना है। एंड गाइस आपको यहाँ पर से जो कि डाउनलोड सेंटर के अंदर आपका जो कि मेन मेनू ऑप्शन है उसको शो पे कर देना है। एंड गाइस आपको यहाँ पर से बैक कर लेना है, आपको यहाँ पर से टॉपअप पे चले जाना है। टॉपअप पे जाने के बाद गाइस आपको यहाँ पर से 4000 का जो टॉपअप देखने को मिल रहा है उस पर क्लिक करना है। आपको बिल्कुल भी टॉपअप नहीं करवाना है गाइस, आपको उस पर क्लिक करना है, आपको यहाँ पर से बैक करना पड़ेगा। अगर टॉपअप करवा लेते हैं तो गाइस ये ट्रिक बिल्कुल भी वर्क नहीं करने वाली, इसीलिए गाइस आपको से बैक कर लेना। जैसे कि हम बैक कर लेते हैं तो उसके बाद गाइस आपको सेटिंग में जाना है और एक बेहतरीन सा सैंड रिपोर्ट कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर हम सैंड रिपोर्ट कर लेते हैं। गाइस सैंड रिपोर्ट करने के बाद गाइस आपको क्या करना है, इस तरह से अगर सैंड रिपोर्ट करते हैं तो यहाँ पर से घरेना वालों को इस तरह का लगता है कि यहाँ पर आप जो भी मतलब कि ये टॉपअप करवा रहे बिल्कुल भी टॉपअप नहीं हो पा रहा है और उसकी वजह से घरेना वालों को ये लगता है कि यहाँ पर उसके नेटवर्क ग्लिच की वजह से उसके अंदर डायमंड भी नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से वो सैंड रिपोर्ट कर रहा है। तो गाइस इस तरह से आपको बहुत बार मतलब कि जितने डायमंड चाहिए उस पर आपको क्लिक कर देना है जैसे कि आपको यहाँ पर से बहुत सारे डायमंड भी मिल सके। तो गाइस यहाँ पर जैसे कि हमारा जो कि न्यू मोड है वो कि मनी हाइस्ट का वो ओपन हो चुका है। तो गाइस उसके अंदर आपको क्या करना है, क्या का आपको थोड़ा सा वेट करना है। जैसे कि यहाँ पर हमारा न्यू मोड ओपन हो जाता है तो गाइस उसके बाद क्या करना है कि आपको यहाँ पर से थोड़ा सा गेम प्ले करना है। जैसे कि यहाँ पर हम गेम प्ले कर देते हैं तो गाइस यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अभी मतलब क्या, जब भी आप इसके मतलब कि जो कि गिफ्ट है गाइस उसके बाद आप मतलब कि उसके पास चले जाते हैं तो ये अभी ओपन नहीं होने वाला गाइस। आप अपने हाँ सही सुना कि यहाँ पर आप मतलब कि जब भी ओपन करने जाओगे तो ये अभी ओपन नहीं होगा। लेकिन गाइस यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया स्पेशल जो कि इवेंट्स आने वाला है जिसके बाद गाइस यहाँ पर आप मतलब कि गिफ्ट के पास चले जाते हैं तो आपको गाइस यहाँ पर हर गेम के अंदर आपको यहाँ पर से गिफ्ट के अंदर से 10 डायमंड मिलने वाले हैं, जो कि यहाँ पर मैंने आपको ट्रिक बताया। उस ट्रिक को आपको फॉलो करने के बाद ही जाना पड़ेगा। अगर इस ट्रिक को आप यहाँ पर से फॉलो नहीं करते और बिल्कुल भी मतलब कि यहाँ पर से स्किप करके चले जाते हैं तो आपको इस ट्रिक के बारे में पता नहीं चलेगा। और गाइस यहाँ पर जैसे कि मैं इस गिफ्ट के पास चला जाता हूँ तो गाइस यहाँ पर मुझे डायमंड मिलते हैं या नहीं, तो गाइस मतलब ये अभी मुझे डायमंड बिल्कुल भी नहीं मिलने वाले क्योंकि यहाँ पर अभी मतलब ये स्पेशल इक्विपमेंट जो इवेंट आने वाला गाइस ये अभी मतलब स्टार्ट नहीं हुआ है, जो कि स्पेशल इवेंट आने के बाद आपके यहाँ पर से इसके अंदर से बहुत सारे डायमंड मिलेंगे, जो कि आप जितने बार गेम प्ले के अंदर चले जाओगे तो उतनी बार आपको यहाँ पर से उस गिफ्ट के अंदर से आपको 10 डायमंड मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि आप कितनी बार भी चले जाते हैं तो उतनी बार आपको यहाँ पर से 10 डायमंड मिलेंगे। तो गाइस आपको क्या करना है कि यहाँ पर से 10 डायमंड लेने के बाद आपको यहाँ पर से बैक कर लेना है। जैसे कि बैक करने के बाद आपको यहाँ पर से बहुत सारे अनलिमिटेड डायमंड बना सकते हैं, जो कि बहुत सारे आप रिवॉर्ड्स भी ले सकते हैं। तो चलेगा इस यहाँ पर मैं आपको अनलिमिटेड डायमंड कैसे लेने हैं ये ट्रिक इस वीडियो में बता दी है। तो ये वीडियो कैसी लगी, उम्मीद करता हूँ कि अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कमेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर लेना। और ऐसी और एक अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।